हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज से हो रही है त्योहारों की शुरुआत, तो हम भी कुछ मीठा बना लेते हैं बहुत बढ़िया सा। तो ये मैं 4 चम्मच बड़े ले रही हूँ गेहूं के आटे के, और इसके साथ में डालूंगी 2 चम्मच सूजी के। और ये मीठा हमारे यहाँ पे बहुत बनता है, इवन मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी को बहुत पसंद था। तो चलिए, ये हमने डाल लिया है, अब इसको हम बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच चीनी के। देखिए 3 चम्मच हो गए हैं, अभी नहीं अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये 1 चम्मच डाल दूंगी मैं सौंफ। चलिए इसमें पानी डाल के हम थोड़ा सा इसको एक सेमी लिक्विडी बैटर बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं। तो सेमी बैटर ये हमें बनाना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। ये इस तरीके से हमें बनाना है, और कोई सोडा कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। तो हाँ जी, हम बना रहे हैं पूरे, जिन्हें गुलगुले तो अलग होते हैं, पर हम इन्हें पूरे बना रहे हैं। थोड़ा सा मैं और इसे डालूँगी, क्योंकि सूजी फूलती है और सूजी फूलेगी तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आटा और सूजी दोनों ही फूलते हैं, तो इन्हें हम 2 से 3 मिनट रेस्ट करने देते हैं ताकि चीनी भी घुल जाए और हमारी सूजी भी फूल जाए। चलिए, बैटर अच्छी तरीके से फूल गया है, तो इसमें मैं मिला दूँगी 1 बड़ा चम्मच दही का। आपके पास छाछ या लस्सी हो वो भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसको भी अच्छे तरीके से, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं हम किस तरीके की है। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ये फूल गया है, और इस तरीके से हमें कुछ रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो ये देखिए, ये हो गया है तैयार। चलिए बनाते हैं पूरे। देखिए, ये इस तरीके से हमने डाल दिया है एक एक लेडल भर के।
देखिए ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया। हम इसमें अब एक लीटर भर के पूरा इस तरीके से डाल देंगे और बीच में पोर करेंगे तो चारों तरफ अपने आप ही चल जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे लो टू मीडियम गैस पे अच्छे तरीके से सीखने देते हैं। देखिए एक से दो मिनट लगेंगे बस, इसे हम इस तरीके से टर्न कर देते हैं और थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से। ये बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं और ये फिर मन में बहुत अच्छे लगते हैं और ये मतलब साइड में तो ये खाए जाते हैं सब्जी के साथ। और पर्सनली मुझे पसंद है ये खीर के साथ में या फिर मलाई के साथ। तो चलिए इसे पलट लेते हैं और ये इजीली पलट जाते हैं। देखिए पहले मैं बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कलर भी ले लिया है। देखिए काफ़ी अच्छा सीख चुका है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसे करारा भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे करारा भी हो गया है ये। चलिए निकाल लेते हैं इसको। देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये सीख चुका। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये करारे करारे हुए और इसके साथ में ये टेस्टी सी मलाई, तो इसको एंजॉय करेंगे हम मलाई के साथ में। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी या वीडियो के साथ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार।